आप भी अपने फोटो को इनहेंस करने के लिए रिबिनी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आप सभी को पता होगा कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐड आता रहता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और उसी एप्लीकेशन में ऐड ब्लॉक करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलो मैं बताता हूँ पूरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको क्या करना है। उससे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन ऑल का प्रेस कर देना और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप रिबिनी एप्लीकेशन का जो ऐड है उसे कैसे रिमूव करोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद चलो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ कि मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, उसके बाद इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, आपके सामने चलो अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद फिर से इधर ही से प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करता हूँ। देख सकते हो आप, ये प्ले स्टोर है और इसी से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल हो चुका है, अब चलो इसे ओपन करता हूँ। देख सकते हो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ और जब एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो आपके अगर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद देखो कुछ ऐसा गेट स्टार्ट का ऑप्शन, सिंपल से गेट स्टार्ट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हो चुका है और इसे मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद मेल, ठीक है आप जो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो आपके गाड़ी कुछ ऐसा आएगा लेकिन ऐड बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे क्लोज कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं फोटो और चलो देख सकते हो आप। चलो मैं इधर अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हो ये फोटो मेरा। चलो इनहेंस पे क्लिक करता हूँ और देखो कोई भी अभी तक कोई भी ऐड नजर नहीं आया है। ठीक है, और आगे भी ऐड कोई भी नहीं आएगा, आप देखना। चलो इस फोटो को मैंने इनहेंस किया और सेव पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो वॉच एड्स का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करूँगा कोई भी ऐड नहीं आएगा, देखना सेव के नीचे देख सकते हो वॉच ऐड है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो कोई भी ऐड नहीं आएगा, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लोड लेगा। ठीक है, लोड लेगा और ऐड कोई भी ऐड नहीं आएगा। ठीक है, देख सकते हो अगर अभी आप में ऐड आएगा, देखो सेव हो चुका है बिना कोई ऐड से। आप टाइम भी देख सकते हो, वीडियो का कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो अब तो आप देख लिए, अब चलो बताता हूँ कि कैसे आप उस सेटिंग को इनेबल करोगे। तो सेटिंग को इनेबल करने के लिए सिंपल से करना क्या है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको इधर सर्च करना है DNS। ठीक है, इधर सुनने के बाद आपको जाना नहीं है, सिंपल से आपको इधर DNS सर्च करना है या प्राइवेट DNS सर्च करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हो प्राइवेट DNS, सिंपल से इस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ऑफ, उसके बाद ऑटो, उसके बाद आप देख सकते हो नीचे प्राइवेट DNS। सिंपल से सबसे लास्ट में जो थर्ड नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ आपके अगर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, इधर देख सकते हो मैंने क्या टाइप किया है। सेम टू सेम आपको ऐसा ही अपने में टाइप करके सेव कर देना है। देख सकते हो आपको टाइप करके अपने में करना है, उसके बाद सेव कर देना है। इतना सेटिंग करने के बाद आपका जो रिबिनी में जो ऐड आ रहा है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि कैपकट का भी जो कैपकट में ऐड आता है वो भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कैपकट का जो एप्लीकेशन है उसमें जो ऐड आता रहता है वो कैसे आप ब्लॉक कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।